जामुन, आप सोच रहे होंगे कि हम ब्रेड से कैसे बनाएंगे गुलाब जामुन। यही तो है हमारा सीक्रेट। तो आज हम आपको गुलाब जामुन ब्रेड से बना के दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। यहाँ पे हमने थोड़ा सा दूध लिया है, यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी चीनी, जिसको कि हम शुगर सिरप बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4 इलायची ली है, ताकि हम टेस्ट के लिए शुगर सिरप में डाल सके। यहाँ पे हमने लिया है काजू और किशमिश। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बना देते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन को गर्म कर देंगे। उसके अंदर हम शुगर डाल देंगे। हम इसके अंदर 1 कटोरी पानी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। जब तक हमारा चीनी बॉयल नहीं होगा, तब तक हम गैस को ऑफ नहीं करेंगे। तो 10 मिनट बाद हमारा शुगर सिरप बन जाएगा। अब हम ब्रेड के चारों साइड्स काट देंगे। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब हम इसका पाउडर बना देंगे। तो देखिए हमारा पाउडर तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन के अंदर डालेंगे। अब हम इसके बिल्कुल अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। तो देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसका छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इसको। अब हमने इसका छोटा सा बॉल बना दिया है। अब हम इसके अंदर छोटा सा छेद कर देंगे, जिसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। तो देखिए अब हम इसके अंदर थोड़ा सा स्टफिंग डाल देंगे, काजू और किशमिश। आप चाहे तो इसके अंदर बादाम भी डाल सकते हैं। अब हम इसको वापस गोल कर देंगे। हाथ में ऐसे करके आप गोला बनाइएगा। तो देखिए हमारे बॉल्स। अब हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। तो देखिए अभी 10 मिनट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसके अंदर हम तेल डाल देंगे। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम हमारे बॉल्स को डाल देंगे। तो देखिए हमारे बॉल्स का गुलाब जामुन की तरह कलर आ रहा है। अब हम इसको हमारे शुगर सिरप में डाल देंगे। जैसे ही हमारे बॉल्स फ्राई हो जाएंगे, हम इसको सिरप में डाल देंगे। गैस को ज्यादा हाई में मत रखिएगा, इसको सिम में रख के ही पकाइएगा। फ्राई करके इसको तुरंत ही इसके अंदर डाल दीजिए। ठंडा होने का इंतजार मत कीजिएगा। तो हमने इसको आधे घंटे के बाद शुगर शेप से निकाल दिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, गुलाब जामुन की तरह। तो देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा गुलाब जामुन। तो प्लीज दोस्तों इसको बनाइए, ट्राई कीजिए।